देहरादून में उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के 12 रेड माइनर्स से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, शॉल उड़ाकर सौंपी 50,000 की राशि, सम्मान से खिले रेड माइनर्स के चेहरे। नए वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी में जुटी धामी सरकार, जनता से मांगे सुझाव, कांग्रेस ने जमकर घेरा, कहा सरकार करती है सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता। शुक्रवार को होगी धामी सरकार की कैबिनेट बैठक, स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े प्रस्ताव होंगे पेश, डायलिसिस के मरीजों को मिल सकती है बड़ी राहत। 23 से 26 दिसंबर तक हरिद्वार में रहेगा VVIP मूवमेंट, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री समेत पहुंचेंगे कई दिग्गज नेता, DGP अभिनव कुमार ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। माइनिंग कारोबारियों के विरोध के बीच 3 महीने बाद हल्द्वानी की गौला नदी में शुरू हुआ खनन, जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पहले दिन करीब 1 दर्जन वाहनों ने किया ढुलान। नैनीताल में 18 पुलिस अफसरों का तबादला, उमेश कुमार बने हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी, निलंबित SHO अरुण सैनी हुए बहाल, भीमताल और काठगोदाम के प्रभारी भी बदले गए। नैनीताल के भीमताल में आदमखोर जंगली जानवरों का आतंक, 14 दिन में 3 लोगों को बनाया शिकार, 3 गांवों में पैदा हुए कर्फ्यू जैसे हालात, 11 दिन से स्कूल बंद, वन विभाग को नहीं मिल रही सफलता। रामनगर में बाघ के आतंक से परेशान ग्रामीण, कॉर्बेट मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के साथ ही मुआवजा देने की मांग। क्रिसमस से पहले उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार, तापमान में आएगी अच्छी खासी गिरावट। औली में शुरू हुई बर्फबारी, सैलानियों के खिले चेहरे, हर दिन पहुंच रहे सैकड़ों पर्यटक,